अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई होप यू आर गाइज डूइंग वेल। एज यू नो, हॉट वेदर है, गर्मियों का सीज़न आ गया है, तो जैसे कि मौसम बदल रहा है तो हमारी डे टाइम नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन भी बदलनी चाहिए। मैं अभी आप लोगों के साथ जो है वो ऑयली स्किन डे रूटीन शेयर करने आई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा डे टाइम में शूट कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा डेमो हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर तो इसलिए। तो लेकिन हम अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो, थोड़ी देर अंदर चले जाएंगे, लेकिन आप लोग जस्ट डेमो देने के लिए कि डे टाइम है, सनशाइन में, धूप में आपने कैसे प्रोटेक्ट रहना है, क्योंकि ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए जिनमें बहुत ऑयली स्किन होती है उनमें ऑयल प्रोडक्शन इस धूप में ज़्यादा आ जाता है, समर सीज़न में ज़्यादा हो जाता है, तो हमने उसको कंट्रोल करना है। हमारा फोकस ऑयल कंट्रोल में होना चाहिए, मिनिमाइजिंग जो हमारी एक फजूल की फेस पर शाइन आ जाती है, एक तो ग्लो होता है, एक और तरह की पसीने वाली शाइन आती है, वो हमने मिनिमाइज़ करनी है। हमने अपने सन से स्किन को प्रोटेक्ट करना है, तो हम अपनी ये सारी देख लेंगे। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाहर बहुत गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा, मेरी इससे पहले कि मेरी स्किन टैन हो जाए, तो हम अंदर चलते हैं। तो अब मैं अंदर आ गई हूँ, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने देख लेना है कि अपनी स्किन जो है वो मेरी हमारी जो स्किन है वो ठीक रहे। तो हमारी गर्मियों में स्किन जो है वो एक्नी की तरफ चल जाती है, क्योंकि हमारी जो स्किन में ऑयली स्किन वाली गर्ल्स होती हैं उनकी स्किन में ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं, आपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हमने अपना डे टाइम जो है वो सुबह उठना है, अपनी क्लिनजिंग करना है, कोई भी अच्छा क्लिनजर जिसमें ऑयल फ्री क्लिनजर हो, स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड हो फॉर ऑयली स्किन वालों के लिए, जैसे कि उनमें इसमें इंग्रेडिएंट्स हों सैलिसिलिक एसिड हो या बेंजोइल पेरोक्साइड हो या टी ट्री ऑयल का फेस वॉश हो, कोई भी क्लिनजर हो आपने वो करना है। अगर आपने मतलब कि डबल क्लिनज कर सकते हैं अगर आपके फेस पे ज़्यादा ऑयल आता है, तो जो है आपने वो देखना है, जो ये आपके जो सैलिसिलिक एसिड है और जो बेंजोइल पेरोक्साइड है, टी ट्री ऑयल है, ये आपके एक्सेस ऑयल को प्रिवेंट करता है, कंट्रोल करता है। तो आपने अपने फेस वॉश करना है, डैम्प स्किन पर आपने अच्छे से क्लेंस कर लेना है। जो सैलिसिलिक एसिड है वो आपकी एक्ने ट्रीटमेंट करवाता है, एक्सफोलिएशन में हेल्प करता है, ऑयल कंट्रोल करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूवल में हेल्प करता है, आपकी ओवरऑल जो हमारी स्किन में व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स और डर्ट होता है उसको कंट्रोल करता है। एक्सफोलिएशन जैसे मतलब कि जो ऑर्डिनरी के सीरम्स हैं AHA BHA, वो PHA है, ये सैलिसिलिक जो है वो PHA बेस्ड है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी बेस्ट है। तो आपने ऐसा ही क्लिनजर यूज़ करना है जिसमें टी ट्री ऑयल हो, सैलिसिलिक एसिड हो या तो फिर बेंजोइल पेरोक्साइड हो। तो आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट देख लेनी है, गूगल में सर्च कर लें जिसमें ये इंग्रेडिएंट्स हों, आपने वो क्लिनजर ले लेना है। ऑयल जो ऑयली स्किन वालों लड़कियाँ हैं उनके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है ये क्लिनजर। ओके, देन नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे कि हमने नेक्स्ट क्या यूज़ करना है आफ्टर क्लिनजिंग। तो हमने नेक्स्ट जो है वो दूसरे नंबर पर पॉइंट देखना है, वो सीरम और या फिर टोनर यूज़ करना है। आप टोनर यूज़ करके भी सीरम यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोनर आप यूज़ कर लें, कोई भी फ्री अल्कोहल फ्री टोनर हो जो आपकी स्किन के pH लेवल्स को बैलेंस रखे, आपके जो पोर्स है उसको टाइटन रखे, जिसमें इंग्रेडिएंट्स हों टी ट्री ऑयल हो जाए, विच हेजल हो जाए, कोई भी इस तरह का आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सीरम यूज़ करना चाहें, 1-2 मिनट का गैप रखें इन सब चीज़ों में, अगर आप टोनर के बाद सीरम यूज़ करें। सीरम जो है वो सुबह के लिए बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए। नियासिनामाइड पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है, मैं पहले वैसे नाइट टाइम यूज़ करती हूँ, नाइट टाइम यूज़ करती थी, लेकिन अब मैंने उसको वो डे टाइम में बना दिया, क्योंकि डे टाइम मैं बहुत अर्ली चली जाती थी तो काम पे, तो फिर अभी मैं यूज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मैंने जो है वो डे केयर रूटीन बना लिया उसको नियासिनामाइड को ऐड करके। तो इस तरह ही अब हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, क्लिनजिंग करने के बाद, टोनर करने के बाद और सीरम लगाने के बाद हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो मॉइस्चराइज़र का होगा। मॉइस्चराइज़र ये नहीं कि आपने ऑयली स्किन वालों के लिए भी जो है वो हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइज़ नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि उनको भी अपनी स्किन को हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन रखने के लिए मॉइस्चराइज़र करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने कोई भी क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र नहीं लेना ऑयली स्किन वालों के लिए, जेल बेस्ड जो है वो लाइट वेट मॉइस्चराइज़र बहुत बेस्ट रहता है, आपके वो जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग नहीं करता,
तो आपके लिए जेल पेस्ट काफ़ी वो बेनिफिशियल रहेगा। आपने इंग्रेडिएंट्स चेक करने हैं कि आपके जो जेल पेस्ट मॉइस्चराइज़र हो आप वो कौन सा ले रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड हो उसमें तो वो आपने वो लेना है मॉइस्चराइज़र। आपने जस्ट ऐड करना है अपनी थिन से ले, अपनी फेस पर अपने नेक पर अप्लाई कर लेनी है। कोई भी उससे ऑयल फ्री होता है तो वो उससे आपको हैवीनेस फील नहीं होगी उस मॉइस्चराइज़र से। आपने सर क्लिंस करने के बाद सीरम टोनर सीरम और सीरम और फिर मॉइस्चराइज़र कर लेना है अपने फेस और नेक पर, तो एक बैरियर सा मेंटेन हो जाएगा आपकी और फेस की स्किन पर। आपने मॉइस्चराइज़र चेक करके लेना है कि एक तो उसमें हाइलुरोनिक एसिड ऐड हो और दूसरा उस पर लेबल हो कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट है। क्योंकि नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि वो आपके जो एक्ने पोर्स होते हैं या आपके जो पोर्स होते हैं उनको क्लॉग नहीं करता, तो वो आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहता है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से हमें ये प्रोडक्ट्स अपने चेक करके लेने चाहिए, ऐसे नहीं कोई बस उठा लेना आपने मॉइस्चराइज़र। तो उसके बाद देन हम अपना सन ब्लॉक ऐड करेंगे 4th नंबर पर, क्लिंस टोनर सीरम मॉइस्चराइज़र और फिर हमारा सन ब्लॉक हो जाता है। सन ब्लॉक मस्ट ऐड आपने लगाना है, स्किप नहीं करना आपने सन ब्लॉक कि आप मॉइस्चराइज़र लगा लो तो सन ब्लॉक नहीं। स्पेशली अगर आउटडोर जा रहे हैं फिर तो 100-200% आपने ऐड करना ही करना है, अपनी स्किन पर अप्लाई करना ही है सन ब्लॉक। तो आपने सन ब्लॉक कौन सा लेना है, सन ब्लॉक जो है वो हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है सनस्क्रीन है वो एटलीस्ट SPF 30 होना चाहिए। SPF क्या होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है जो 30 होता है। अक्सर जो सन ब्लॉक्स हम लें, हम बॉटल्स देखते हैं उस पर मेंशन होता है कि SPF 30 है, SPF 50 है कि नहीं। तो हमने जो हमारी जो सन ब्लॉक अप्लाई करने से फेस पर हमारी जो यूवी रेज होती है हमारी स्किन को जो अफेक्ट करती हैं, हार्मफुल होती हैं, उससे सन ब्लॉक जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आपने ये ज़रूर अप्लाई करना है। एक वो अगेन जेल पेस्ट लेना है आपने, जो है वो जेल पेस्ट लेना है, सन ब्लॉक क्रीम बेस्ड नहीं लेना क्योंकि उससे बहुत जो है वो ग्रीजी लुक आ जाती है ऑयली स्किन पर। तो वो जो है वो जो ग्रीजी फॉर्म होती है वो मैं ड्राई स्किन पर, वो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी कि ड्राई स्किन वालों के लिए डे केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। तो अभी आपने जेल पेस्ट लेना है अपनी जो अपनी वो जहाँ पे आपका कवर्ड नहीं है एरियाज, नेक हो गए, हैंड हो गए, फेस हो गया, आपने वहाँ पे सन ब्लॉक अप्लाई करना है और आपने हर 2 घंटे बाद जो है वो सन ब्लॉक अपना रीअप्लाई करना है अपने एरियाज़ पर जहाँ पे जो कवर्ड नहीं है। तो क्योंकि जो सन ब्लॉक का जो अफेक्ट होता है वो अगर आप स्पेशली अगर आउटडोर में हैं कहीं बाहर हैं तो आपने रीअप्लाई ज़रूर करना है क्योंकि 2 घंटे बाद जो है वो अफेक्ट कम ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप हार्मफुल यूवी रेज से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो रीअप्लाई करते रहें हर 2 घंटे बाद उसको, अपने सन ब्लॉक को रिफ्रेश करते रहें। तो आपने ये मस्ट चेक करना है कि जो आपके सन ब्लॉक हैं वो एक तो SPF 30 हो और उसमें जो है वो जेल बेस्ड हो, क्रीमी बेस्ड ना हो। तो आपने ये मस्ट चेक करना है। उसके बाद जो है वो हमारा पॉइंट आ जाता है कि हमने ऑप्शनल है, अगर हमने ज़ाहिर बाहर जाना है तो मेकअप आप लोगों ने करना ही करना है, तो हमने प्राइमर ऐड करना है। प्राइमर भी जो है वो आपने देख लेना है कि ऑयल फ्री हो, ऑयली स्किन वालों के लिए ही हो वो प्राइमर, तो वो भी आपने यूज़ करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें क्लिंस करने के बाद, टोनर लगाने के बाद, मॉइस्चराइज़र करने के बाद, सन ब्लॉक लगाने के बाद आपने प्राइमर ऐड करना है अपने अप्लाई करना है अपने फेस पर, और ताकि वो आपके ऑयल को अब्सॉर्ब भी कर ले और आपके मैट से फिनिशिंग दे आपके मेकअप पर। उसके बाद आपने जो मेकअप चूज़ करना है वो भी नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट हो कि आपके जो पोर्स हैं उसको क्लॉग ना करे, क्योंकि अगर हमारे पोर्स को क्लॉग कर देगा एक वो ऑयल प्रोडक्शन होती रहेगी और इस तरह फिर वो एक्ने की तरफ हमारी स्किन चली जाएगी। तो आपने जो है वो मिनरल बेस्ड जो है ना वो पाउडर्स लेने हैं ताकि वो आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल है वो अब्सॉर्ब कर ले। अगर हम जो है वो जो है दूसरी प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जो ड्राई स्किन वालों के लिए होती है तो हमारा ऑयल प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो हमारा एक्सेस ऑयल हो जाता है, हमारी स्किन पर ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमारी स्किन के लिए बेस्ट है हमें प्रोडक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जैसे कि समर सीज़न हम सब जानते हैं, हमने अपनी जो है वो तीन चीज़ें हमने अपनी अपनी जो है वो तीन चीज़ें जो है वो रखनी है ताकि हम अपने जो है वो सर्वाइव कर सकें इस
समर सीज़न में हमने अपनी चीज़ें क्या रखनी है कि हमने सबसे पहले अपना वो रखना है, वाटर इनटेक ठीक रखना है हमने अपना, हमने वाटर इनटेक ठीक रखें, डाइट ठीक रखें अपनी, हमने जो है वो एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारी जो स्किन है वो एक हाइड्रेटेड रहे, हमें कोई मतलब कि मसला ना हो हमारी स्किन, जो वैसे ही हम जब वाटर इनटेक ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्किन वैसे ही ग्लो करेगी। तो अपनी चीज़ में इसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जब हमारे अंदर हम हेल्दी होंगे तो हम ऑटोमेटिकली बाहर भी ग्लो करेंगे। प्रोडक्ट्स तो है आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए, लेकिन आपके जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने नेचुरली हमें दिए हैं, अपनी डाइट से ठीक कर सकते हैं, वाटर इनटेक से। पानी तो बहुत ज़्यादा है, आपने अक्सर हीरोइंस को सुना होगा कि मैं वाटर इनटेक मतलब के करें, तो वो ये बेस्ट है कि आप पानी पिए तो ठीक है। आपने ये स्किन केयर रूटीन देख ली है, उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं नाइट टाइम जो है वो स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों से शेयर करूँगी, और जो है वो नेक्स्ट आपके साथ स्टे ट्यून। आप लोग मतलब के लाइक कर दीजिए करें, हमें थोड़ा सा हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिल जाती है हमें। और स्किन केयर ट्यून मेरी कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियोस नहीं है, तो इसलिए मतलब कि मैं जो भी बताती हूँ वो एक मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। मुझे एक वो क्या कहते हैं, एक वो ही जान सकता है आपका दर्द जो एक अपने आप उस दर्द से गुजरा हो, तो इसलिए यकीन रखें मैं आप लोगों को ऐसी कोई चीज़ नहीं बताऊंगी जो मैंने खुद पहले अप्लाई नहीं की अपने फेस पर। मैंने जो चीज़ें अप्लाई कर रही हूँ या करूँगी इंशाल्लाह वो आप वही आप लोगों को बताऊँगी जो सूटेबल हैं। ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के आप लोगों को बता रही हूँ, ये चीज़ें